तो जी रोटियां हम लेकर आए थे, है ना साहब? डिग्गी खुली है? हाँ खुली। वो थैला और अपनी बरनी आ गए, है ना? ये देखो पीछे घर से निकले थे, ठंड इतनी थी, कितने सारे कपड़े पहन के बैठे थे हम लोग, और अब सारे निकाल दिए। जो हाँ ये उठके सुट के ले आओ अपने, बस मिर्चा को अचार लो, गाल लो, डिगो तो ले लो, अपने को खा लेंगे अपन। ये रे अपन टी तो मट्ठी बता तो खट्टा बने कि नहीं हैं? मट्ठी बता तो आप ली तो खट्टा बना? मट्ठी तो मैं सुबह ही बता दी थी, थमका नहीं बैठा सारू टाइम। अच्छा देख लो दो चार ही, लेकिन हमें काल्टी दूध वाली बोतल। अच्छा वो दूध जिसमें लाए थे वो पीछे है डिग्गी में, है? हाँ वो थैली है ना, उसमें एक डिब्बी है। ये भी नहीं है। पांच क्यों बोल, गिरा दी तो ठीक है। क्या गिरा है? देखो जी अभी खाली दही जो घर से लाया था ना वो ही रखा, वो दही के साथ ही खा रहा है। ये भाई भी दही के साथ ही, सब्जी आई भी नहीं अभी तक, हमारी प्लेट खाली, हम सब्जी का वेट कर लेंगे। शाम के बज गए 4:54, मतलब 5 ही बज गए समझ लो। खेलिंग ना वाला इधर आगे बावला, ये बार ये बार ये लड़ने दे। बस ये क्या कुर्सी आई श्री चनाना पहुंच गया। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं चिड़ावा। अब चिड़ावा में हम घर पे नहीं लेकर के गए उनको, क्योंकि उनको आगे जाना था और अपने को यहाँ से अगर पैदल भी जाएंगे तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसलिए हमने बोला कि चलो ठीक है आप जाओ यहाँ से। जी आज सुबह सुबह की बहुत अच्छी घटना के साथ में आप सबका एक नए व्लॉग में जय श्री राम के साथ में स्वागत है। और कैमरा तो साफ नहीं है, मैं उठ के आया था, श्रीमती जी की तबीयत कुछ डाउन थी। श्रीमती जी बोली आप पानी गर्म करो तो मेरी चाय बना देना। मैं बोला ठीक है भाई। मैंने चाय मतलब पानी चढ़ाया, इसके अंदर पत्ती डाली और फिर मैंने सोचा कि हमारे धर्मपत्नी जी काली मिर्च डालती हैं, तो काली मिर्च का डब्बा उधर रख दिया और ये नया डिब्बा आया था चाट का चाट मसाला। तो मुझे मैंने ध्यान दिया नहीं, चश्मा लगा नहीं रखा था, मैंने सोचा यार काली मिर्च होगी, ये इसके अंदर चाय के अंदर डाल दिया मैंने, अब देखते हैं चाय कैसी बनती है। आते मैं बोलो भाई मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली, आपको कुछ और डालना डाल लो। बोलो पागल काली मिर्च नहीं, ये तो चाट मसाला है। बस चाय टेस्टी बनेगी, फटी नहीं है ना, इसका मतलब बढ़िया बनेगी, देखना पी करके आप। थोड़ी सी चीनी थोड़ी एक्स्ट्रा डालना, मजा कुछ भी नहीं आएगी खट्टी मीठी। लहसुन डाल दो चाय में तो टेस्टी लगे। बिल्कुल सर्दी के अंदर चटपटी चाय, आह सुगंध देखो क्या मस्त है, दिखाओ तो सुगंध भी ना आ रही, आह मस्त आ रही है। थोड़ी सूखी गई तो शायद चुटकी भी एकदम थोड़ा सा, मैं तो काली मिर्च का चक्कर में गया ना मैं भाई, तो ज्यादा महसूस ना मतलब बड़े बड़े ढंग से गए तो फ्लेवर बड़े बढ़िया। मैं तो इस तरीके से डाला था मैंने कि भाई एक चाय बन रही तो एक काली मिर्च डाल देता हूँ बस, ये फिर चुटकी से गया ना तो कोई बात, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मसाला चाय, चाट मसाला चाय थी भाई, जिसको भी बनानी है बना सकते हैं। कल श्याम बाबा गए थे ना हम लोग, तो थोड़ा सा व्यवस्था ऐसे बिगड़ी हुई है, रात को लेट पहुंचे थे, आते हैं अपने कोई बात नहीं था। तो जी मम्मी बना रही है चटनी, किस चीज की चटनी है मम्मी बता दो एक बार। वही ऑल टाइम फेवरेट लाल मिर्च वाली। तो मम्मी बना रही है चटनी और पापा अपने सिंगार की तैयारी कर रहे हैं। बस पापा का सिंगार सिर्फ और सिर्फ आधी या एक घंटे में हो जाएगा, है ना पापा? आधा घंटा में हो जाएगा। शिवांश लाया है ये बंदूक, चलती भी है और एक
कड़ा दिखा दे भाई जरा। ये कड़ा है, इस पे लिखा है जय श्री राम। राम नहीं, जय श्री राम। सांस बंद कर ले अभी। और पापा क्या लाए? पापा तो भाई एक धागो लाए, वो कालो है। कहाँ वैसे वो पापा? वो रख दिया मैंने उठा के। तो पापा लाए थे काला धागा, और मम्मी और नानी लाई थी छल्ला। मम्मी कल एक कमेंट आया था, बोल 5000 में कौन सी बचत हो जाएगी। तो जी मम्मी वहां से भी कुछ नहीं लाई। मम्मी रोज ऐसी ही बचत कर लाया। सिंदूर का सिंदूर लेके आई थी, वो भी माँ के लिए लेके आई थी, क्योंकि माँ के 10 रुपए का धागा लेके आया था। तो मम्मी वैसे कुछ नहीं लेके आती, अट्रम सट्रम फलाना दिगड़ा कहीं से भी कुछ भी। और मैं एक पापा बताना कितने की लाई हूँ। 80 रुपए की गुड्डी। 80 की थी, पर पापा ऐसे ही पापा ने ये 60 में ले लिया। क्या लेके आई है? हाँ, 500 रुपए मेरे भाई ने, फिर 500 रुपए और दे दिए। तो मम्मी 500 रुपए लाई है और मैं ये। आप बताना किसकी चीज सबसे ज्यादा अच्छी है। मेरी अच्छी है हैं। और लड्डू जी हैं, उनको नीला दुला दिया है और भोग भी लगा दिया। देखो राधे राधे लड्डू। तो लड्डू को तो बोल दिया है, अब मम्मी की चम्मच ले जानी पड़ेगी। क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है? तो जी पापा आ गए हैं पूजा करवा के, और उधर भी दो खिलाड़ी हैं। उधर भी दो खिलाड़ी हैं। ले भाई, वहाँ पे 2 प्लेयर है। आ गए पापा, वहाँ पे 2 प्लेयर है। देख पापा क्या लाए। हाँ भाई, क्या लाए? क्या लाए हो? चार तो लड्डू। लड्डू क्या करे खाने के लिए। और लगन का प्रोग्राम था ना, एक सिवांस का केला, केला एक सिवांस की संतरा, संतरा। ये लड्डू फूट गए यार, ये भी अच्छे। ये मिठाई कौन सी है यार, कई दिन से देख रहे थे, गोल गोल दिखाई दे। बालूशाही, अरे सिवांस ले खाके देख। एक गानो तो पहले हरियाणवी में, बल में मेरे लायो बालूशाही। भाई 5 लाए, चार ही भाई बच्चे की। ले देखो, गरिमा का दे देंगे। हाँ एक गरिमा दे, खा के देखते हैं कौन सी बालू चाहिए। अगर बालू चाहिए तो कोई गोल भाई, अगर बालू चाहिए तो या तो चोकोरी है, मट्टी की तरह है ना। तो बालू चाहिए, बालू चाहिए टूट गई फिर या छोटी साइज की बालू चाहिए। हाँ आज गाड़ी गोल गोल बनाया करता मेरे पापा को भी होटल बनाया कर, तो कदे मेरे पापा गोल गोल बालू चाहिए बनाया करता। एक बार मम्मी नाराज हो गई थी, तो पापा क्यों हो गई थी, मम्मी कई दिन से कह रही थी बालूशाही ला के दो, बालूशाही ला के दो, तो पापा लाए नहीं जब मम्मी नाराज हो गई, इसलिए मेरे को बालूशाही ज्यादा याद है। बालूशाही है, टेस्ट खाने से पता लगा। अच्छा जलेबी कैसी वह है? जलेबी में चाशनी वह है, बस अंदर भरी रहे। लड्डू फूट गए। वह तो ठीक है, स्वेटर पहन ले लाला, ठंड है। उसकी मम्मी आने के बाद पारस आएगा पापा घर पे पतंग उड़ाने। वो तो ठीक है, रात ना उड़ा लियो पतंग, अंधेरा हो गया, रात को उड़ाने। देख कितना बैठा रह गया पीछा, नहीं चाहे का असली डिग जाएगी। एक सॉरी मिला के मुझे भी दिखा एक बार। मुकट, मुकट। ये यहाँ पे अजीब तरीके का डांस कर रहा है, और ये देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, और ये देखो फिर पूरा आसमान जो है आज ऐसा हो रखा है। वहां पे देखो ऐसे लग रहा है जैसे पानी की लहरें जा रही हूँ, है ना। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और पापा पी रहे हैं अभी फिलहाल पानी, गरम गरम पानी में काला नमक डाल के पापा पानी पी रहे हैं।
मम्मी इधर बैठी हैं आराम से। काला नमक तो इसलिए डाल रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं ना वो सबसे बड़ा पंगा ये हो जाता है, खाना खा के जाते हैं कि पता नहीं कब मिलेगा, वहां पे थोड़ा छोटा प्रोग्राम था, जाते आते एक घंटे बाद दो बजे की बात है, बोलो खाना खाओ, मैं बोलो नहीं खा के आया, बोलो पंडित जी थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, क्या करें। लाइट जला दी। और बताओ पापा कैसा गया दिन? दिन तो बढ़िया जाएगा, चाय आते ही बढ़िया कही गए। हाँ तो घना बढ़िया गया, मौसम सही था, धूप निकली थी, अच्छे से छाती का बटन खोल के जैकेट का जब गया था और आज में धूप भी बढ़ गई, पजामे भी पहन रह गए, आज पैंट ही पहन रह गई है। मेरे समझ में नहीं आया ये कुर्ता का और इस पैंट के काड़ो काड़ो लाग गयो क्या को के है, के तो बैग गंदो हो रहे हो पीछे से कुछ लाग रहे यहाँ से भी तो देंगे इसको। और अब जाके पापा घड़ी लाएंगे, पूरी सर्दी किस लिए नहीं लाए पापा ये बताओ एक बार। दिखाई तो देती नहीं क्या? दिखाई तो देती नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, दो तीन दिन में, दो तीन मतलब थोड़ी ठंड और कम हो जाएगी तब हम भी लेंगे। हाँ तेरा तो दी से पहले ले ली भाई, लगता ना लाफा ये इतना इतना बड़ा है पापा, जब भी आप लाफा बोलते हो ना मेरे को एक ही चीज याद आती है, ये छोटा था ना तब मम्मी ने इसको थप्पड़ दिखाया, क्या कर रहा था बेड के नीचे कुछ ढूंढ रहा था, मम्मी ने इसको थप्पड़ दिखाया तब बेड पे चढ़ गए, पकड़िए बेड को, यूं ही कह रहे।